सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल एक रिव्यू देंगे, एक जेन्युइन ओपिनियन देंगे कि किन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रही है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या क्या फैसिलिटीज हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे अंकल जी बैठे हैं। देखिए, नमस्कार, नमस्ते। एटीएम, ये इधर एटीएम है और ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इनका मेजर गो। सो देखिए, स्टार्टिंग में आपको यहाँ से एक फ्रंट ऑफिस, चांसलर ऑफिस, प्रो चांसलर सर ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, ये सारा आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा। आ जाइए सर, इधर फोकस दीजिए, ये देखिए डीवी लव्स यू। ठीक है, आ जाइए। बेसिकली हम जो है मेन एंट्रेंस एरिया की तरफ जा रहे हैं, ये यहाँ से ही आप एंटर होंगे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो जैसा कि भाई देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के, और यहाँ देखिए हमारा शिक्षक कैसे बिल्डिंग्स, कहाँ पे क्या प्लेग्राउंड है, कहाँ पे क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं। और ये मेन एंट्रेंस एरिया है, आगे चलते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज द रिसेप्शन एरिया एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस। आगे सो ये मेन एंट्रेंस एरिया की मेन बिल्डिंग जो दिखाई, एडमिन ब्लॉक है। ठीक है, ये एडमिन ब्लॉक है और यहाँ पे आपको ये एडमिशन सेल, ये बाकी कॉन्फ्रेंस हॉल, बाकी ये एडमिशन सेल टू डिजिटल सेल, ये सारे एरियाज हैं, मतलब जितना भी डायरेक्टर्स, डीन्स और मेन मेन ऑफिस हैं वो सब यहीं पर हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने आपको नीचे का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो दिखा दिया है, लेकिन उसके बाद आप अभी ये जो है कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं। सो देखिए, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है फॉर एनी मीटिंग और स्टूडेंट्स के लिए, जो कंपनी के लिए प्लेसमेंट वगैरह के लिए कंपनीज आती हैं वहाँ आपकी गैदरिंग के लिए। ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस के लिए, जो जीडी राउंड वगैरह होते हैं वो यहाँ पे गैदरिंग के लिए नॉर्मली ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, और विद हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 150 to 200। और यहाँ पे बेसिकली ये जो बिल्डिंग है, ये जो ब्लॉक है, ये कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए है, मतलब जितने भी आपके कोर्सेज हैं बीटेक, एनसीएस और बीसीए, एमसीए, बीएससीआईटी, इन सब के कोर्सेज इसी बिल्डिंग में रन करते हैं, इसलिए सारी लैब्स आपको यहीं पर मिलेंगी। ये देखिए, ये भी कंप्यूटर लैब है। सर, हमने आपको जो कंप्यूटर लैब्स वगैरह को दिखाई थी, हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि लेक्चर हॉल्स कैसे हैं। ये इस ब्लॉक के हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्लॉक के। तो आपको स्मार्टफोन मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साउंड सिस्टम और सीसीटीवी कैमरा, और आप चेयर्स वगैरह देख सकते हैं। ये पूरे इस ब्लॉक के सारे क्लासेस ऐसी ही हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको जो हमारा टूर है कैंपस टूर में पसंद आ रहा होगा, तो यहाँ आ जाते हैं। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारी, आपको दिखा देते हैं। देखो, सो इसमें आपको कोर्स से रिलेटेड बुक्स और जो गाइड्स होती हैं, वो सारी रेफरेंस बुक्स होती हैं, वो सब आपको मिल जाएगी। जो आप फ्री टाइम में, जो लेक्चर फ्री होता है आपका, उसमें आके आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। और आपको बिल्डिंग्स वगैरह का तो सारा इंट्रोडक्शन और इस तरीके से टूर कराया। तो ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ये बिल्डिंग्स के बीच में ही बास्केटबॉल कोर्ट है, देख सकते हैं। सो आज ही कल आपको ये लैब है मैकेनिकल की, जो आपको मशीनरी वगैरह देखते समझ आ रहा होगा, ये मैकेनिकल लैब है और अंदर हमारे सर बैठे हैं। ये जहाँ हम चल रहे हैं, ये ग्राउंड एरिया पे आ गए हैं, और इस ग्राउंड एरिया से एक बार टर्न कर लीजिए, दिखा दीजिए।
ये वाली बिल्डिंग जो है ये सिविल बिल्डिंग है, ठीक है, सिविल ब्लॉक है, और ये पॉलिटेक्निक ब्लॉक है, आपको दोनों दिख जाएंगे। और ये जो है मेन ग्राउंड एरिया है, और इसके सामने जो दिख रही है वो एलाइड साइंस और जर्नलिज्म एंड लिबरल आर्ट्स की बिल्डिंग है। मतलब बेसिकली उसमें सारे कोर्सेज जो जर्नलिज्म और लिबरल आर्ट्स के हैं, और एलाइड साइंसेज में आप देख लीजिए जो जितने भी बीएससी हैं, है ना, और ये सारे कोर्सेज हैं उसमें। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारे कोर्सेज वहाँ पे हैं। और गाइज अगर मैं आपको बताऊँ कि आप देखिए, आपके ऊपर है सारा कि आप इस रिव्यू पे बिलीव करें ना करें, बट मैं एक जेन्युइन रिव्यू इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि मैं इस कॉलेज में 6 साल से हूँ। मैंने पहले अपनी ग्रेजुएशन यहीं से की, फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से की, तो मैं जितना जानता हूँ मैं उतना बता रहा हूँ आपको सब कुछ, बाकी आपके ऊपर है। तो ये जैसे आपको इधर हमने ग्राउंड एरिया दिखाया था, इधर ये मेन स्टेज एरिया है, तो ऊपर इधर ले आइए, ये मेन स्टेज एरिया है जहाँ पे आपके जितने भी फेस्ट वगैरह है और उस गैदरिंग के लिए और उसके उस पर्पज़ के लिए हम इधर आ जाते हैं। इस बिल्डिंग पे, इस ब्लॉक पे जो कि आप देख पा रहे हैं, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड लिबरल आर्ट्स और स्कूल ऑफ एलाइड साइंस। तो दिस इज द मेन रिसेप्शन एरिया फॉर दिस ब्लॉक। हेलो, देखिए गाइस, ये मल्टी पर्पस हॉल है, कह सकते हैं कि शनिवार को इसमें भी तकरीबन 200 से 250 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है, और ये हॉल जो है स्पेशली फॉर दिस ब्लॉक है, ठीक है। हमने उधर आपको मेन बिल्डिंग का जो कि सीएस वाली बिल्डिंग का उसका हॉल दिखाया था, मल्टीपर्पज हॉल, और ये इस ब्लॉक के लिए है, क्योंकि इस जैसा कि हमने बताया था फैशन डिजाइनिंग की कोर्स है, तो ये उसी के लिए फैशन डिजाइनिंग की लैब है, ठीक है। जैसे ये स्टूडेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये लैब जो है ये फाइनेंस की है, देख लीजिए आप एक बार, आपको यहाँ से भी एक आइडिया लग जाएगा। उधर मैम बैठी, आपको हम आगे लेके चलते हैं और अदर पार्ट्स दिखा, बाकी अब हम आ रहे हैं इस बिल्डिंग की तरफ, दिखाइए उधर, ये है देवभूमि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिज़ाइन। सो ये कुछ काफ़ी ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं गाइस, जिसके लिए आप देख सकते हैं अगर आपके इंटरेस्ट है इसके रिगार्डिंग, और आप थोड़ा भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। इसमें बेसिकली आपको आर्ट और क्राफ्ट में थोड़ी सी दिलचस्पी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम आपको ये गाइस लैब दिखाने जा रहे हैं, ये आर्किटेक्चर ब्लॉक की, और आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ये सिर्फ ब्रोशर पे नहीं छपा हुआ, वो एक्चुअल में 75% एनुअल प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, और ये एक एज अ होल यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ। बाकी कुछ जो डिमांडिंग कोर्स रहते हैं उसमें 90% तक भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। ओके, सो गाइस फाइनली हम ये स्टूडियो में आ चुके हैं आर्किटेक्चर ब्लॉक की, जो हम आपको दिखाने के लिए आए थे। यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या क्या ये, और ये सारा का सारा बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं, एक बार आप प्लीज़ उनको ओवरव्यू दिखा दीजिए यहाँ का। व्यू देखिए गाइस, सामने का नज़ारा देखिए, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ये फील्ड। हमारा फील्ड भी जो कैंपस का फील्ड है वो उसके उधर ही है, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये कॉलेज का जो कैंपस है यहाँ पे, ये आपको सुद्धोवाला से नियरली 5 to 6 किलोमीटर्स पड़ता है, ये भाववाला वाली रोड पे जब चलते हैं, तो यहाँ पे आपको मतलब एक नेचर के बीच में एक अलग ही आनंद मिलेगा। मतलब जिस चीज़ के लिए देहरादून फेमस है, जो चीज़ देहरादून की फेमस है, उसका एनवायरनमेंट, उसका क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, वो आपको यहाँ बेस्ट मिलने वाला है। चलिए, सो फाइनली जो है हम यहाँ दिखाइए, इधर से ये आर्किटेक्चर ब्लॉक है, यहाँ से इधर आ गए हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है बिल्डिंग, तो ये एमबीए की बिल्डिंग है, मैनेजमेंट की, यहाँ क्लासेज हैं, आप इधर से देख सकते हैं। सो दीज आर द क्लासेज, एंड नीचे चलते हैं।
तो ये हमारी मैनेजमेंट ब्लॉक है, जैसा आप देख रहे हैं और फाइनली हम यहाँ से मेन एंट्रेंस जो है वहाँ से निकल के आए हैं। तो अब आप पीछे से एक बार बिल्डिंग का ओवरव्यू बता दीजिए। सो दिस इज द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। यहाँ पे हमारा BBA BCOM ऑनर्स और MBA का कोर्स रन करता है। और हमारे यहाँ गाइज MBA BBA स्पेशलाइजेशन में जो कि ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन चल रही है, जैसे कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग, उस सब में ही मिल जाएगा। और ये जो एरिया है यहाँ से हमारा मोस्टली मतलब कैंपस एकेडमिक वाला वो यहाँ पे हो जाता है। बाकी इसके बाद ये ब्लॉक है, इसका भी आपको टूर करा देते हैं। ये देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। बाकी जिस साइड एक बार इधर से दिखा दीजिए सर, जहाँ पे जो है ये एक बैम्बू कैफ़े है, ओपन कैफेटेरिया। आपको एक मेन कैफ़े है वो भी दिखाएंगे, बाकी ये ओपन कैफेटेरिया है। यहाँ पे भी आप अपने दोस्तों के साथ चले। ये होटल मैनेजमेंट का जो है रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैंपस के अंदर है तो आपको बनी आप यहाँ आके मील इंजॉय कर सकते हैं। ये मेन्यू अपने अपडेट करते रहते हैं डेली। आपको वो जो दो कैफेटेरिया बताया उनके अलावा यहाँ भी आपको फूड इंजॉय करने के लिए मिलेगा। तो दिस इज द किचन एरिया, ट्रेनिंग किचन। क्या बना रहे हो? हेलो सर, विद द हेल्प ऑफ फैकल्टीज एंड द शेफ। देखिए आप देख सकते हैं। सो गाइस आपको यहीं पे एक्सपोजर मिलने वाला है कि जो फूड एंड बीवरेजेस में है उनको कुकिंग का, और जो जिन्होंने चूज किया है हाउसकीपिंग उनको हाउसकीपिंग का, क्योंकि ऊपर जो है रूम्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। मतलब इस बिल्डिंग को एक तरीके से ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि आपको एक कॉलेज में ही एक्सपोजर मिले, आपको पता चले कि होटल इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। सो फाइनली गाइज हम एंटर कर रहे हैं देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल। सो फर्स्टली पहले मैं ये बता देता हूँ, ये हर्बल गार्डन है और यहाँ पे पूरे कैंपस के बच्चे यहाँ पे ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं, चाहे सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का हो, क्योंकि यहाँ धूप भी इतनी है और छाया भी इतनी है। एक बार उधर से दिखा दीजिए। और ये हॉस्पिटल देवभूमि हॉस्पिटल में हम एंटर कर रहे हैं, और इसी बिल्डिंग से उधर जो है जस्ट एडजस्टेंट टू दिस बिल्डिंग देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भी यही है। सो दिस इज द OPD एरिया। चल रही है BMS की, अभी क्लासेस वगैरह से यहाँ से देख सकते हैं। और गाइस आप यहाँ से देखिए कि आपको कितना प्यारा लगने वाला है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही मत पूछो, एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है देवभूमि यूनिवर्सिटी का। ये ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक है, आपको दिखाते हैं कैफेटेरिया। अच्छा खाना मिल जाएगा खाने के लिए, यहाँ पे खाना रखा है। देखिए राइस है, बीस फीस है राजमा, ये राजमा है। देखिए क्वालिटी, देखिए ये मिक्स वेज है और ये कढ़ी पकौड़ा है।
आप देखिए और बाकी पे है ये हमारे सर हैं जो बैठे हैं। अरे क्या हमेशा भाई? हमेशा क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं हॉस्टलर्स के लिए भी और डे स्कॉलर्स के लिए भी। तो ये मेन कैफेटेरिया एरिया है हमारा देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। ओके सर, थैंक यू। वी रीच टू द हॉस्टल एरिया। ये हॉस्टल की मेस है, सेल्फ सर्व है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिमिटेड या फिर कोई सर्व का जो है सेल्फ सर्विस है। अभी ये खाना रखा है, आपको दिखा सकते हैं, राइस और दाल। ये मैस से निकल के आ चुके हैं हम। तो ये जितनी भी लाल कलर की बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये सारे के सारे बॉयज हॉस्टल हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी बैरिकेटिंग हो रखी है। जोक्स अपार्ट, तो हम बता देते हैं भी पर नहीं मार सकता है। बीच में रास्ता ये जो है मैस का जा रहा है। हॉस्टल जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। स्टार्टिंग में जो वहाँ से देखेंगे आप तो वो BH1 है फॉर फर्स्ट ईयर, और फिर आगे ऐसे जाते जाते सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर्स के लिए है। ठीक है, और ये वाला जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है। ओके सो गाइज, हमने जितना कोशिश हो सकता था आपको अच्छे से रिव्यू दिया, पूरा कैंपस विजिट कराया। अब फाइनली मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो पढ़ने के लिए देख रहे हैं, 120+ प्रोग्राम्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, आप देख सकते हैं, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं हमको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाल दिया है। ठीक है, और स्पेशली आपको अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स भी मिलेंगी। और मैं लास्ट में सिर्फ ये बात बोलना चाहूँगा कि एकेडमिकली जिसको पढ़ना है, मतलब जिसको पढ़ना है, तो एकेडमिक्स पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बेस्ट कॉलेज होने वाला है। थैंक यू।